सर ये कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन है, जैसे कि हम सारे दोस्त जानते हैं कि उनको कल शहीद कर दिया गया है, वो तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पढ़ दूं सर इसको। दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स प्रोफाउंड ग्रीफ एंड सॉरो ओवर द सैड डिमाइज ऑफ फॉर्मर सेनेटर हदा। वैसे नो आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द रेजोल्यूशन इज पास्ड यूनैनिमसली। अ कॉपी ऑफ दिस रेजोल्यूशन मे बी सेंट टू द ब्रीफ फैमिली। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर वन, सेनेटर नदीम अहमद भुट्टो। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरा मोहतरम वजीर से सवाल है कि हबको पावर प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कब शुरू हुई और करंट इसकी क्या कितनी प्रोडक्शन दे रहा है इस वक्त के प्लान। मिनिस्टर जी बहुत शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। ये आरएफओ का फायर प्लांट पावर प्लांट है जी, हब पावर कंपनी का, और ये इसके साथ अग्रीमेंट हमारा 3 अगस्त 1992 में हुकूमत पाकिस्तान का हुआ था, पीपीआईबी का, और इसकी जो तारीख है जब ये शुरू हुआ था, जो इसकी जो कमिश्निंग की डेट होती है वो 31 मार्च 1997 थी, तो उस वक़्त से ये ऑपरेट कर रहा है। और ये जो इंडिपेंडेंट पावर पॉलिसी की 1994 में आई थी, ये उसके तहत पावर जनाब चेयरमैन, ये एक आईपीपी है, ये किसी एक सूबे का कोई शेयर इन आईपीपीस के अंदर नहीं होता। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बिजली प्रोवाइड करके पाकिस्तान का जो ओवरऑल नेशनल ग्रिड है उसके अंदर बिजली इंजेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कराची इलेक्ट्रिक की अपनी मलकियत हैं, वो हमारे नेशनल ग्रिड के अंदर पावर को इंजेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक के एरिया के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जितनी भी पावर जनरेशन होती है दैट्स एक्चुअली इंजेक्टेड इनटू द नेशनल ग्रिड, और वहाँ से मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में और जहाँ जहाँ ऑफ टेक पावर हो रही होती है वहाँ वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें कोई सूबों का, जिस तरह हाइडल पार्क के अंदर जो वाटर यूजेज चार्जेज हैं या जो हाइडल प्रॉफिट्स हुआ करते थे वो ज़रूर सूबों की के हिस्से में आते हैं, और वो एक ख़ास अमाउंट है पर किलोवाट आवर। उसके अलावा बाकी किसी प्लांट का एज सच, अनलेस वो ओनरशिप हो किसी सूबे की जिसने खुद इन्वेस्ट किया हो प्लांट के अंदर, उन सूबों को रिटर्न ऑन एक्विटी मिलती है, लेकिन ये प्लांट उस कैटेगरी का नहीं है। थैंक यू। कम मैं चाहूंगा वजीर मौसूफ, चूंकि पूरे मुल्क में ही एनर्जी क्राइसिस है तो इस पे अगर थोड़ी रोशनी डालें। शुक्रिया। क्वेश्चन करना जी, मेरा क्वेश्चन है अवे साहब से कि अवे साहब, ये हब पावर प्रोजेक्ट इन्होंने एक्सटेंड करके कॉल पर भी चला रहे हैं। जितने भी प्लांट्स लगाए गए हैं इन द रीसेंट पास्ट, और हब को जिसका ऑनरेबल सेनेटर बात करें वो भी उसी का हिस्सा है, उन सबको क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज के को भाप के उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए
तमाम प्लांट्स लगाए गए हैं, बल्कि जो सी पैक के ज़माने में इस किस्म के प्लांट्स लगाए गए थे उनकी एफिशिएंसी, जो एनवायरमेंटल एफिशिएंसी है और एनवायरमेंटली जो करेक्ट होना है, वो दुनिया के सबसे एफिशिएंट तरीन प्लांट्स कोल के जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। और पाकिस्तान को इस बात का फ़ख्र है कि हमारा जो कार्बन प्रिंट है उसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, और हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज से हाइडल से जो अगर 1 अरब यूनिट पूरे मुल्क में इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर एनर्जी के अंदर ख़ासतौर पर हाइडल के ज़रिए बहुत बड़ा एक शेयर है, जो कि अगले 8 से 10 साल के अंदर फिनोमिनली इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। और आइंदा आने वाली 10-11 हज़ार मेगावाट जो हुकूमत कमिट कर चुकी है वो तमाम हाइडल पार्क के ऊपर आ रही है, तो उससे पाकिस्तान एनवायरमेंटली बहुत रिस्पॉन्सिबल एक मुल्क के तौर के ऊपर ना सिर्फ अभी भी अपने आप को प्लेस करता है बल्कि मुस्तकबिल के अंदर भी होगा। इस प्लांट का जो नेशनल ग्रिड की दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने बात की, नेशनल ग्रिड का किसी के हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त बिजली पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी ज़रूरत हो वहाँ ऑफ टेक की जा सकती है, और वो सिर्फ जो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग का मामला है वो सिर्फ जो लॉस मेकिंग एरियाज हैं, बदकिस्मती से अपनी नुकसानात को एक ख़ास हद के अंदर रखने के लिए हमें वो ये काम करना पड़ता है कि हम जहाँ अफोर्ड ना कर सके वहाँ बिजली हम नहीं दे रहे। बाकी इसका सूबाई हकूक के साथ या किसी भी कंस्ट्रेंट के साथ और कोई ख़ास इस किस्म का ताल्लुक नहीं है। थैंक यू कामरान मुर्तजा। क्वेश्चन नंबर 2। सर, इसमें जो इन्वेस्ट किया गया था इस प्लांट के अगेंस्ट वो जो मैं समझा हूँ 1.6 बिलियन था, और अब तक उनको क्या जो है वो उससे वो क्या अर्न कर चुकी है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, मेरा अपना अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी मैंने कहा कि उसी पे था शायद, सॉरी जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 सर, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज रेड सर। टेकन एज रेड जी सर। क्वेश्चन सर, वो सवाल तो ये है पिंडी के बारे में, वो नॉर्मली जो है हमारा पिंडी के बारे में सवाल नहीं होता, गुलिस्तान के बारे में ही होता है, मगर वो पढ़ के जो है जवाब पढ़ के जो है पता चला कि हमारी तरह सब की इस राय का, और यही हम उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं और ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इन इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज़ की कोई कस्टमर केयर बेहतर हो, और हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम है वो भी इसी तरफ हुकूमत के इस रिजॉल्व को पूरा करने की एक कोशिश है, और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हम इसको अचीव भी करेंगे अगले साल डेढ़ के अंदर अंदर। तो ये जो बात है, ये जो प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बताया गया था ये 6 जून को मिस्टर चेयरमैन रिजॉल्व हो चुका है, जो उनकी जो उस स्पेसिफिक एरिया की जितनी भी ग्रीवेंसेस थी इसके रिलेटेड जो लो वोल्टेज रिलेटेड थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ जहाँ कोशिश करके आप पहुँच सक रहे हैं वहाँ उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। आईएस को हमारी बेहतर ऑपरेट करने वाली कंपनीज में से है, इसलिए इस रीजन के अंदर इतने इश्यूज नहीं हैं जो बाकी रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी इनके ऊपर काबू पाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जी, बहुत मेहरबानी मिस्टर चेयरमैन। मैं इसी सवाल का जवाब जी देते हुए अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का कीमतों के ऊपर भी बहुत असर आता है, और कल से मीडिया में काफ़ी बातें ये चल भी रही हैं कि हमने काबीना ने अप्रूव किया है 5.72 रुपये का इजाफा पर यूनिट, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन, ये बहुत अच्छा फोरम है, अपर हाउस है पाकिस्तान का, तो इनके ज़रिए आपके ज़रिए मैं आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा। एक तो जी बलूचिस्तान के अंदर परसों भी चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत बलूचिस्तान के साथ जूम के ऊपर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और उनकी पूरी इंतज़ामिया के साथ तकरीबन कोई 1.5 घंटे की मुलाकात की, और वो सिर्फ सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलूचिस्तान पे थी,
जहाँ इस बात को रिकग्नाइज किया गया कि तकरीबन 28,000 जो लीगल कनेक्शंस हैं उनके अलावा 11,000-12,000 इलीगल हमारे ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शंस भी हैं और उसके अलावा भी लाइन लॉसेस हैं जिसकी वजह से हम हार्डली एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को वहाँ 3-3.5 घंटे की बिजली कुल दे रहे हैं। ये हमने 6 घंटे तक लेके गए थे बलूचिस्तान के साथ स्पेशल अरेंजमेंट करके, जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए मजीद कंट्रीब्यूट किए थे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी किए और हमने जिम्मेदारों के लिए इस बिजली के दौरानिए को बढ़ाया। हम आज भी बलूचिस्तान को 1500, 700, 2000 मेगावाट को छोड़ें हम 10,000 मेगावाट की भी सप्लाई देने को तैयार हैं, लेकिन जब किसी एरिया से कुछ पैसा, और बलूचिस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरीज बहुत अच्छी हैं और वहाँ 3 और 6 घंटे की बिजली नहीं है, वहाँ 20 और 21 घंटे तक बिजली की सप्लाई हमारी बहाल रहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों का हमारी कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। इस वक्त 600 अरब रुपये सालाना के हमारे जो नुकसान हैं जो हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे लेके और लोगों तक मिलके हमारे सिस्टम में से निकालते हैं, उस 600 अरब रुपए की बिलिंग कम हो सकती है आज पाकिस्तान के अंदर, यानी 3 खरब रुपए के बजाय 2,400 अरब की हो सकती है, 2.4 खरब की हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी यूनिट की कीमत बहुत कम हो सकती है। अब मैं इसी का फ़ायदा उठाते हुए चेयरमैन साहब ये भी बताऊं कि कल परसों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर आ रही है कि 5 रुपए और कुछ पैसे 76 पैसे के करीब यूनिट की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। ये समझने की बात है कि पिछले जून में और हर जून में हमारा रेगुलेटर आपकी एवरेज प्राइस अगले पूरे साल की डिटरमिन करता है। वो एवरेज प्राइस जो पिछले साल डिटरमिन हुई थी जून 2023 में, उसमें उसने 5 रुपए 72 पैसे या 76 पैसे का इजाफा प्रपोज किया। ये बात काबीना में गई, काबीना ने बड़ी इसके ऊपर जी डिलिबरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए बजट करके और सब्सिडीज हमने इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर, यानी इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए की हद तक हकूमत ने बर्दाश्त किया। किसके लिए बर्दाश्त किया? हमारे 1,68,00,000 कंज्यूमर्स जो पाकिस्तान के अंदर मीटर के ओनर्स हैं, उनकी कीमतों के अंदर 2% से ज़्यादा, यानी हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हमने नहीं होने दिया। इसके बावजूद कि पिछले 3 सालों में उस प्रोटेक्टेड क्लास की कीमतों में इजाफा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। इसके अलावा मिस्टर चेयरमैन, आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए से इस क्लास को फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त जो कीमतें जून में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं वो अगले 3 से 4 महीने के लिए कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर 2% से लेके और 9% तक, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा, लेकिन जनवरी में। और वो इजाफा इसलिए होगा क्योंकि पिछले साल का जो टैरिफ था उसका बोझ अगले 2-6 महीने के लिए हमारे ऊपर आएगा। दिसंबर में, और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ना बढ़ा, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई, तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2-3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। तो हमारी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसकी वजह से आपके 6 महीने के अंदर इफेक्ट एक पॉजिटिव आएगा कंज्यूमर के लिए। हाँ, 4-5 साल हमें 2% से लेके 4-5 महीने हमें 2% से लेके 9% तक का जरूर एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जनवरी के बाद वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा मिस्टर चेयरमैन, हमने इंडस्ट्री के ऊपर से 150 अरब रुपए का बोझ कम किया, और ये क्यों किया? किसी सेठ के लिए तो नहीं किया,
किसी कारोबारी बड़े बैंक रखने वाले के लिए तो नहीं किया, इसलिए किया ताकि जॉब्स क्रिएट हो, इसलिए किया ताकि इंडस्ट्री की डिमांड ऊपर जाए बिजली की, आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, डिमांड ऊपर जाए और हमारी इंडस्ट्री एक्सपेंड करे। इंडस्ट्री वाले आगे कहते हैं, चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा हो, आके कहते हैं कि आप जिस एरिया के अंदर कंपीट कर रहे हैं आपकी रीजनल प्राइसेस बिजली की कंपेटिटिव नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी वाजे पॉलिसी के जरिए 150 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम किया। जनाब चेयरमैन, एक और बात भी मैं आपके सामने रखूं कि तकरीबन आपके 58.68 करोड़ कंज्यूमर 3.20 करोड़ में से 2% से ज्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। अगले महीने बिल आएगा और ये बिल जून से नहीं बढ़े, ये 1 जुलाई के बाद जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इनका इतलाक होगा। बाकी जो तकरीबन 42% आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू सारफीन, उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन ये भी बताऊं कि इस वक्त 2.5 करोड़ कंज्यूमर यानी 2.5 करोड़ हाउस होल्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हाउस होल्ड बिजली को इस्तेमाल कर रहा है वो एवरेज कीमत जो हमें पड़ी है उससे वो कम पे कर रहा है। कई कंज्यूमर है जो बहुत कम पे कर रहा है, 7-7.5 रुपए यूनिट पे कर रहा है, कई है जो 15 रुपए यूनिट पे कर रहा है। हमारी एवरेज कीमत इस वक्त इस एडजस्टमेंट के बाद 35 रुपए की है। तो 35 रुपए फी यूनिट से कम जितने लोग पे कर रहे हैं वो और लोगों की क्रॉस सब्सिडी से या हुकूमत पाकिस्तान की दीवी सब्सिडी से पे कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। इन ज्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, अभी 3 महीने हमें हुकूमत में हुए हुए आए हैं, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सारफीन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर सफदर अब्बासी इज सिटिंग इन द हाउस। ये एक्चुअली मिनिस्टर साहब इस वक्त सब लाइट्स जल रही हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डिस्कस ऑन दिस। अब इसके लिए नहीं, उसके लिए मैं बता दूँ, आई कैन गिव परमिशन टू ओनली 3 questions एंड वी विल नॉट गिव मोर देन 3 questions। अब क्वेश्चन करें, आप तो कर चुके, आप तशरीफ रखें। कहा कि हमें 10,000 मेगावाट बिजली, हम आपको क्वेश्चन है, मैंने पहले भी अर्ज की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज 1000% रेडी टू फंड दिस स्कीम। ये मैं आपको परसों की सुबह की मीटिंग का हाल दे रहा हूँ। आज यहाँ आने से पहले सेंट्रल एशिया से उनके सेक्रेटरी का फोन आया कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ, मुझे सोलराइजेशन ऑफ बलोचिस्तान एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के प्रोग्राम को फाइनलाइज शक्ल में देखना है हर हालत में। तो हम लोग इसके ऊपर बहुत सीरियस हैं और बलोचिस्तान की हुकूमत का इसके अंदर एक अग्रीमेंट हमें चाहिए। वो सीएम बलोचिस्तान से हमने हम बात कर रहे हैं, उसकी कुछ लीगल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके, और फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश के ऊपर इसके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, हमें खुद इस बात की बचत होगी। अगर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल शमसी तबानाई पे चले जाएंगे तो यहाँ का जो लाइव लॉसेज है ये कम होंगे। 80 अरब रुपए का नुकसान है, 80 अरब रुपए का सालाना सिर्फ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स को 12 घंटे या 9 घंटे बिजली देने का, रिकवरी नहीं है। ये बात दुरुस्त है उनकी कि किसी एक आदमी का भी हक है कि अगर वो बिजली पे कर रहा है, अगर 500 नहीं कर रहे तो 499 को आपकी वजह से एक को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप ये हक देंगे
तो आप सालाना कोई 3,000 अरब रुपए भी कहीं से पैदा करें ये मोल, ताकि वो खैराती चोरी की बिजली में निकल जाए। ये अनअफोर्डेबल है, इट्स नॉट सस्टेनेबल, लेकिन हम इनको अप्रिशिएट करते हैं सरिस साहब की बात को। और सोलराइजेशन के हम जितने करीब आज हैं एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलोचिस्तान के, आज से पहले कभी नहीं थे, और उसको आप इंशाल्लाह मटेरियल फॉर्म में जल्दी देखेंगे, क्योंकि मेरे वजीर आजम का रिजॉल्व है इस चीज़ को। Okay, we refer Sherry Rahman sahab. Mera sirf ek brief comment tha sir. I'm sure minister sahab ne bahut purazam tarike se sab kuch bataya hai. Aur mere baad beshak aap le le dusre member ka. To baki saron ne kiya hua. Aap tashreef please. No interference aap tak aa jayenge. She is a parliamentary leader of the party. She's a leader. Please, sir, I just want to, I don't want to take their time. आप जिसको मौजू समझे दें, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, और पूछना भी नहीं so much as a minister about comprehensive verbose statement दिया है, लेकिन members satisfied नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा problem है, singing problem है। ये मैं नहीं पूछूंगी captive power के क्या मसले हैं, वो दूसरा सवाल था, और वो pay as you go कब खत्म होगा भाई, हम पे करते जा रहे हैं और वो प्रोड्यूस हम यूज करें ना करें, वी हैव टू मेक दोज इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स टू द हाइब्रिड द IPPs। लेकिन सर माय सवाल इज नॉट वेरी सिंपल, सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स ये मंशूरों में होता था और सबके भी होता रहा है, टू प्रोवाइड वाटर एग्रीकल्चर सबका ये होता है तरीक़ेकार, लेकिन जहाँ जहाँ ये हुआ है मैं ये आगाह करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ सोलराइजेशन हुई है और ट्यूबवेल्स एक्सट्रैक्ट करते रहे तो उन इलाकों में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। जितना आप पौने पौने लगाएंगे, और मैं ये मिनिस्टर की तरफ नहीं इतना डायरेक्ट कर रही, बट आगाही के लिए, क्योंकि आपका फिर पानी जो ग्राउंड वाटर है ना, सिर्फ वो पहले खारा हो जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, वो खुश्क साली ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसका कोई सर हल ढूंढे मरबूत किस्म का कमेटी में अगर पॉसिबल हो। सर मैं बिजली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पावर जो है और वाटर, इसको आप अलग नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश होगी कि बहुत संगीन प्रॉब्लम है, इसे अगर कमेटी में रिफर करें वाटर, और उसमें पावर और वाटर भी आ जाए, ताकि इनको कोई मजबूत सलूशन मिले। एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस फॉर बलोचिस्तान, ये बात है सर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर साहब, विल यू एग्री कि अगर हम स्टैंडिंग कमेटी वाटर एंड स्टैंडिंग कमेटी पार को दोनों को आप ब्रीफ कर सकें? मिस्टर चेयरमैन, मैंने ये काबी असेंबली के स्पीकर साहब को भी गुजारिश की थी, यू मे वांट टू कंसीडर, दिस हाउस मे वांट टू कंसीडर, इफ यू वांट टू मेक अ कमेटी ऑफ द हाउस, आई वुड लाइक टू विद प्रॉपर प्रेजेंटेशंस explain to everybody what this capacity payment is, furnace oil ke plant kya hai, IPPs kya hai, capacity payment kya hai, kitna bojh hai, kiski galti thi, is waqt kya hai, way forward kya hai, hum kya karne lage, aap log bhi uske upar suggestions de hain. Bilkul theek hai, I really appreciate, aur is pe 3-4 sawalon se mutmain koi nahi ho sakta. आप लास्ट क्वेश्चन वैसे कर लें, कमेटी ऑफ द होल हाउस करेंगे। बहुत मेहरबानी सर, आप सबको मुतमैन करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन होगी, दो तीन सवालों के साथ लोग मुतमैन नहीं होंगे। मिस्टर चेयरमैन, मैं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड सर, मैं बलूचिस्तान के, मैं खुद बलोच हूँ सर, मैं, मेरा आधा कबायली इलाका बलूचिस्तान के अंदर है, रखनी के अंदर, आधा कोई सुलेमान के पहाड़ों के ऊपर है, हम लोग खुद बलोच कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, बलोचिस्तान को कौन छोड़ गया है सर? मैं इनके सामने एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर साहब, दे थॉट यू आर ओनली सराइकी। हाउ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट फॉर मी बोथ। एनीवे मिस्टर चेयरमैन, देखिए सर, मैं आज एक फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। मेरे इलाके में, मेरे हल्के में 5 फीडर, 2 कच्चे के इलाके में और 2 कबायल इलाके में ऐसे हैं जहां 21 घंटे बिजली नहीं है,
और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन इलाकों के अंदर चोरी है. I have the guts to own that. मैं इसकी ओनरशिप ले रहा हूं. तो बाकी कोई नहीं होगा चोर, लेकिन हमारे हल्के में चार फीडर में चोरी है. I announce the committee of the whole house and inshallah we'll fix the date.